Welcome to Insight Techs. This is the platform to learn about the power transmission element and control system. आज नए टॉपिक पे आए हैं ब्रेकर. तो ब्रेकर में हम देखेंगे ट्रिप सर्किट सुपरविजन, लोकल एंड रिमोट कैसे होता है, और क्लोज और ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग इंटरलॉक्स कैसे होता है, और ब्रेकर क्लोज ट्रिप कैसे होता है वो देखेंगे. यहाँ पे एक ब्रेकर का सर्किट दिखाया गया है, कंट्रोल वायरिंग और पैनल के साथ उसके वायर कैसे जॉइंट हुए हैं वो दिखाया है, और ब्रेकर में कॉमनली क्या क्या आता है वो सब चीज़ दिखाई गई है. जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन J1 और J2 जो DC आता है वो यहाँ पे दिया जाता है. उसके बाद MCB आती है, TNC स्विच यानी कि ट्रिप एंड क्लोज स्विच, LR लोकल रिमोट स्विच, फिर यहाँ पे SF6 गैस का गेज है. तो जब भी SF6 गैस भरा जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट उसका क्लोज होगा. तो ये कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर दिया गया है जो 63 AGX है. उसके कॉन्टैक्ट्स हमारे ब्रेकर के क्लोजिंग और ट्रिपिंग में इंटरलॉक में आता है. दूसरी जो ये पहली सर्किट है वो अपना क्लोजिंग सर्किट है. ये जो CC है वो क्लोजिंग कॉइल है. यहाँ पे GLX का कॉन्टैक्ट है. फिर स्प्रिंग चार्ज अगर होगा तो उसका ये कॉन्टैक्ट है. ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे. और ये 52B है जो ब्रेकर का अपना ऑक्सिलरी स्विच है, वो अगर क्लोज होगा तब अपना ब्रेकर ऑपरेट होगा. सेम उसी तरह अगर ट्रिपिंग सर्किट हम देखें तो ट्रिपिंग सर्किट में GLX का कॉन्टैक्ट है, 52A और 52B. इसमें दो कॉन्टैक्ट लिए गए होते हैं ऑक्सिलरी स्विच के, वो अपना सुपरविजन के लिए काम आता है. और उसके बाद TC यानी कि ट्रिपिंग कॉइल है. उसके बाद ब्रेकर का ऑक्सिलरी स्विच लेके ही ब्रेकर का ऑन इंडिकेशन होता है और ब्रेकर का ऑफ इंडिकेशन होता है. जब भी स्प्रिंग चार्ज होती है तो स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन आता है. तो ये इतना अपना ब्रेकर है. और यहाँ पे ऊपर पैनल दिया गया है. तो पैनल में क्या क्या आएगा ब्रेकर रिलेटेड, एक TNC स्विच आएगा, दूसरा एक मास्टर रिले का कॉन्टैक्ट आएगा जो ब्रेकर को ट्रिप करेगा, और तीसरा है ट्रिप सर्किट सुपरविजन. ट्रिप सर्किट सुपरविजन क्या है, ये है कि ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल है वो ट्रिप करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो चीज़ ट्रिप सर्किट सुपरविजन हमें बताता है. अभी देखिए यहाँ पे हम SF6 गैस फील कर रहे हैं तो क्या होगा. देखिए कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ यानी कि SF6 गैस फील हो गया. अभी SF6 गैस फिल हो जाने के बाद ये कॉन्टैक्ट अपना क्लोज हो गया है. अभी यहाँ से हम मेन DC का जो MCB है वो ऑन करेंगे. ऑन करने से क्या होगा कि एक तो ब्रेकर अभी ऑफ है यानी कि ऑफ का इंडिकेशन दिखाएगा, और ब्रेकर ऑफ होने के टाइम जो अपना प्री क्लोज सुपरविजन रहता है तो बी कॉइल वो ऑपरेट रहेगा, और बी कॉइल की वजह से अपना सी कॉइल ऑपरेट रहेगा. तो देखते हैं कि DC का MCB ऑन करने से, देखिए ये आ गया अपना ब्रेकर ऑफ इंडिकेशन, और बी कॉइल और सी कॉइल सुपरवाइज कर रहा है. अभी स्प्रिंग चार्ज होगा. तो स्प्रिंग चार्ज होने से एक ये कॉन्टैक्ट है और एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट है कि वो दोनों ऑपरेट होंगे.
स्प्रिंग चार्ज होगा उसके साथ। तो अभी देखिए स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, स्प्रिंग चार्ज हो गया यानी कि ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ और यहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया है। तो अभी ब्रेकर ट्रिपिंग के लिए तैयार हो गया है। ओके, यहाँ पे अभी देखते हैं कि ब्रेकर रिमोट पे और लोकली कैसे काम करता है। तो अभी ये ब्रेकर रिमोट पोजीशन में है, रिमोट पोजीशन में है यानी कि वो पैनल से ऑपरेट होगा, पैनल का जो टीएनसी स्विच है वहाँ से ऑपरेट होगा, लोकली टीएनसी स्विच से वो ऑपरेट नहीं होगा। अभी रिमोट कंडीशन में क्या होता है, तो रिमोट कंडीशन में लोकल कंडीशन में ये स्विच यहाँ पे लोकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी आप पैनल की जो टीएनसी स्विच है वहाँ से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और जो लोकल टीएनसी स्विच है वहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। और ब्रेकर का जो वायरिंग होता है उसमें एक चीज़ खास रहती है कि अगर ब्रेकर अपना लोकल कंडीशन में भी है, स्विच अगर लोकल कंडीशन में है, फिर भी वो प्रोटेक्शन ट्रिप होगा, यानी कि रिले से अगर ब्रेकर को ट्रिप कमांड जाता है तो वो ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए और वो होगा। तो ये इस तरह से लोकल जो अगर हम स्विच रखते हैं तो होना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे कॉन्टेक्ट ये अपना ब्रेकर ऑपरेट होगा तब किस तरह से दिखाएगा। अभी यहाँ ब्रेकर फिर से रिमोट कंडीशन में आ गया है। अभी हम टीएनसी से कमांड देते हैं तो किस तरह से होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ टीएनसी से कमांड आया तो ये कॉइल जो क्लोजिंग कॉइल है ऑपरेट होगा और सब कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होते हैं और ब्रेकर ऑन होता है। फिर से स्प्रिंग चार्ज होती है और स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन आ जाता है और ये ब्रेकर ऑफ इंडिकेशन चला जाता है। एक बार फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ये टीएनसी कमांड हुआ, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स अपना पोजीशन चेंज करेंगे और फिर से स्प्रिंग चार्ज होती है तो स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टैक्ट फिर से क्लोज होता है और ये जो अपना 52 ए और बी है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो 52 ए अगर क्लोज हुआ है यानी कि पोस्ट क्लोज, तो पोस्ट क्लोज सुपरविजन में अपना ए कोयल है ट्रिप सर्किट सुपरविजन का, तो ए कोयल ऑपरेट रहेगा और उसके कारण सी कोयल ऑपरेट रहेगा। यानी कि कोई भी कंडीशन में अपना सी कोयल ऑपरेट होना चाहिए, वो ऑपरेट रहता है यानी कि अपना ब्रेकर ट्रिपिंग के लिए रेडी है। ये पूरा वीडियो ब्रेकर को ऑपरेट कैसे करते हैं और कैसे होना चाहिए ब्रेकर ऑपरेट और उसके लिए क्या क्या वायरिंग होता है वो एक सिंपल तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो आपको ये समझ में आया होगा और आप अभी आगे क्या जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट में लिखिए, तो हम वो चीज़ आपको इतने सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।